कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट की रेस में सबसे आगे चल रहे सीएम चरणजीत सिंह चन्नी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। अवैध रेत खनन मामले में ईडी ने उनके भांजे भूपेंद्र सिंह हनी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने पहले हनी को पूछताछ के लिए तलब किया था। घंटों चली पूछताछ के दौरान हनी ने सवालों के सही उत्तर देने की जगह अधिकारियों को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। इसके बाद ईडी ने हनी को गिरफ्तार करने का फैसला किया। हाल ही में अवैध रेत खनन मामले में ईडी की टीम ने पंजाब में जो छापेमारी की थी उसमें 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, 21 लाख का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी बरामद हुई थी। इसके साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए थे। बताया जा रहा है कि इस बरामदगी में सबसे ज्यादा नकदी भूपेंद्र सिंह हनी के ठिकानों से मिली है। ये रकम लगभग 7 से 8 करोड़ रुपए की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी अपने मोहाली वाले घर पर मौजूद थी। ईडी के जांच अधिकारियों ने उनसे उनके यहां बरामद करोड़ रुपए की बाबत पूछताछ की तो ना तो वह कोई बैंक की पर्ची ही खुद दिखा पाए और ना ही यह बता पाए कि यह पैसा किसका है या कहां से आया है। ईडी ने इस मामले में हनी समेत उनके कंपनी के 2 और निदेशकों से पूछताछ की थी। सूत्रों का कहना है कि अवैध रेत खनन मामले में मुख्य आरोपी कुदरतदीप सिंह और भूपेंद्र सिंह हनी एक अन्य व्यक्ति संदीप के साथ प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंपनी में निदेशक हैं। ये कंपनी उसी साल 25 अक्टूबर 2018 में बनी थी जब अवैध खनन मामले में पंजाब पुलिस ने FIR दर्ज की थी। इस कंपनी में मात्र 60,000 रुपए का पैडअप कैपिटल था और कुल अधिकृत धनराशि 5 लाख रुपए की थी। ईडी को शक है कि इस कंपनी के जरिए भी काले धन को सफेद किया गया है। ईडी ने इस कंपनी से संबंधित सभी दस्तावेज हनी को पेश करने को कहा था। पंजाब में 20 फरवरी को 117 सीटों पर वोटिंग है। ऐसे में विपक्ष अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर और तेज वार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।